बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर इस पैकेज का कोई लाभ नहीं दिख रहा। युवाओं को बैंक में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिस कारण युवा अपना कोई काम धंधा शुरू नहीं कर पा रहे। बेरोजगार युवा आत्महत्या को गले लगा चुके हैं। विधायक ने प्रदेश सरकार से भी इस पैकेज के द्वारा लाभान्वित हुए युवाओं का आंकड़ा साझा करने की बात कही। विधायक ने कहा कि सरकार इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करे। इस पैकेज का लाभ केवल कुछ पूंजीपतियों को ही हुआ है। अभी पीछे सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के सामने रखा था। अभी ये मालूम नहीं है कि वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो आम जनता तक पहुंच भी पाया है कि नहीं। खासकर जो हमारे बेरोजगार तबके के लोग हैं, जो युवा लोग हैं, क्या उसका कोई लाभ हुआ है? सरकार उसका श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने उसमें क्या उन्होंने उसमें प्रावधान रखे थे बेरोजगारों के लिए, वो उसको स्पष्ट करे। जहां तक मेरा मानना है, ये 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा जो है वो पूंजीपति लोगों को हुआ है। चंद कुछ जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको फायदा हुआ है। आम व्यक्ति को उस पैसे का ना तो कोई मालूम है, ना ऐसी कोई स्कीमें ब्लॉक में है, ना जिला स्तर पर है, ना प्रदेश स्तर पर है। सरकार कम से कम ये बताए तो सही कि 20 लाख करोड़ में से इतना हिस्सा हमारे प्रदेश सरकार को मिला है और प्रदेश सरकार युवा बेरोजगार बच्चों के लिए उसमें से ये सहायता देने जा रही है। अब सरकार बोलती है कि आप लोन लो और रोजगार करो, तो रोजगार किस क्षेत्र में करें? आपके पास इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है जहाँ पर उन बच्चों को बसाया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। कोई कैसी योजना सरकार के पास है? कम से कम योजना तो बताए सरकार, उन बच्चों को कुछ तो बताए, उनके लिए जो एक सही रास्ता तो दिखाए। 20 लाख करोड़ बोलने के लिए तो बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे जो माननीय सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी और केंद्र में मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री के साथ हैं, तो वो भी बताएं कि आखिर युवाओं को उन्होंने दिया क्या है और जो हमारे स्थानीय बेरोजगार बच्चे हैं या देश में जो बेरोजगार बच्चे हैं वो 20 लाख करोड़ में से कितना अंशदान उन बच्चों के हिस्से में आ रहा है और कैसे उनको उसका लाभ मिलेगा, ये तो प्रचारित करे सरकार। कोई किसी का कोई भी दिशा निर्देश या दिशा जो ऐसा है नहीं है, और ये सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो दिशाहीन।